कुछ इस तरह से चुड़ैल और बड़ा मजा आने वाला गोश्त प्रैंक होगा आज। वापस आ गई हूँ तो हाँ ये वही दिन है, ठीक है, वही कपड़े हैं, वही रात है। सो हम लोग स्टिल इस्लामाबाद में होटल में स्टे किया हुआ है और रूम की हालत बहुत खराब है। ये इधर हिरापी, वो उधर मेरी बहनें, मामा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ मम्मा पापा सब बैठे हुए, ठीक है, तो बड़ा अच्छा माहौल है। जैनब अपने रूम में, जैनब के पास भी जाते हैं। सो आज ना अभी इनके सामने नहीं बोलूंगी। और इस लड़की ने जो अंदर फुल गाय लगे अकेली बैठी है, जैनब इसको डरा दी, दादा खोलो जल्दी, जैनब जल्दी दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो ये? अल्लाह क्या माहौल बनाया है इसने। बंद करो गाने, बंद करो। कि क्या है, डर नहीं लग रहा तुम्हें इतने अंधेरे में? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और ये इधर बनी हुई है जगम भालू। यार जैनब से मुझे ये देख के आइडिया है कि मैं करने लगी हूँ जैनब इन सबके साथ। गेस करो क्या प्रैंक मैं इन सबके साथ करने लगी हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गोश्त प्रैंक। जैनब गोश्त अभी ऐसा बनी है, मैं जैनब जैसा गोश्त बनूंगी और इनको मैं डराऊंगी। जैनब तुम मेरे साथ दोगी? स्नैप्स बना ले, स्नैप्स दोगी साथ? तो पहले पूल में चले? नहीं के नहीं जाना, कैसे ही करते हैं या पूल में बाहर चले जाएंगे, पहले इनको डरा लेते हैं, ठीक है? चढ़न में इनके साथ गोश्त प्रैंक करने लगी हूँ। जैनब पूल में गई थी तो जैनब ना जाए, मैं बाहर चली जाऊंगी, पहले इनको मैं डराती हूँ, फिर हम सोचते हैं पूल में जाने के लिए। तो कैसे दरवाजा हम करते हैं बंद और जैनब से लेते हैं हेल्प। जैनब मुझे भूत बनना है, प्लीज मुझे भूत बना दो, मैंने उनको डराना है, मुझे भूत बनना है, ठीक है? तो भूत बनने के लिए मैंने करने, क्योंकि मैंने देखे सोचा है अक्सर जब आप ऐसे छुट्टियों पे आते हो ना फैमिली के साथ, तो मैंने वो हॉरर हाउस देखे हैं जिनमें वो भूत आते हैं, ठीक है, इस तरह के। कहाँ से आते हैं? तो मैंने सोचा कि वो मैं क्यों ना अपनी बहनों को डराऊंगा, इस घर में भूत है तो मैं बनूंगी भूत कुछ इस तरह का, फिर इसके बाद मैं इनको डराऊंगी, देखते हैं इनका क्या रिएक्शन, डरती है कि नहीं, देखते हैं हमारी कौन सी बहन जो है ज्यादा डरपोक है। मुझे लगता है आपकी डरपोक है। चलो लेट्स सी। ओके तो मैंने अपने बाल जो है वो फुल खोल लिए हैं, ठीक है, और खोलने का मैं बन जाऊंगी कुछ इस तरह से चुड़ैल। और कौन है ये लोग? बड़ा मजा आने वाला गोश्त प्रैंक होगा आज के व्लॉग का टाइटल। तो मतलब हमारी ना भी एक फैन आई थी और उन्होंने आगे कहा कि आपकी वो टॉम बॉय वाली बहन क्या, वो मुझे बहुत क्यूट लगती है। जी टॉम बॉय बहन, सच्ची में बोला? हाँ थैंक यू गाइस हमें इतना प्यार देने के लिए। चलो मुझे कैमरा पकड़ो, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि राबिया कैसे भूत बनी। मेरा फोन उठाओ, ये पूरा ब्लैंकेट पकड़ो, मेरा फोन उठाओ। नहीं पकड़ती यार उसको, ये देखो ये मैंने बनना है कुछ इस तरह से भूत, ये मेरे मुंह पे आ जाएगा कुछ ऐसे, मुंह पे पहले आएंगे बाल, ठीक है। जैनब पता क्या, हिरापी ना इधर ग्रिल में घूम रही है, ठीक है, हाँ। तो ना मैंने उसको यहाँ नीचे से जाकर डराना है, ठीक है, ठीक है, डराओ। ये देखो मैं, एक मिनट, ओह ध्यान से अपने, एक मिनट गोल, ये देखो ये मैं बन गई हूँ भूत, ये देखो बन गए ना। अब जरा बाहर देखो हिरापी जो है ना वो चक्कर काटती है, बाइक देखो 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 हिरापी तो है ही नहीं इधर, वो तो नीचे है, देखो ना कहाँ पे वो कॉल पे बात कर रही है नीचे। थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस, उसे पहले मैं आप लोग का अपना मन रखती हूँ। ये मैं तो पता कैसे जाऊंगी, मैं ये करके मैं जाऊंगी, कैसे तुम तो मुझे आइडिया दो कैसे मैं भोरर लगूंगी। पहले जैसे जाती है वैसे ऐसे, हाँ मैं जाऊंगी ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे जाऊंगी बैठ कर, यूं सही है क्या? अब उसको आने तो दो ना, खाने का वेट करेंगे गाइस। चलो यहाँ से हम लोग नजर रख रहे हैं, खोलो जाओ ज्यादा, खोलो ज्यादा, खोलो, आ रही आ रही आ रही, क्या मैं जाती हूँ, जाओ जाओ, ज्यादा सो नहीं चल रही है, रुको जरा सबर करो। मारो हमको मारो, कैसा था अमल अकेले कपोए कफोए का बदतमीज, मजा आया
यार ये डर ही हो ना, डर लगा उसका हार्ट बाहर आने लगा था। नहीं बंदा देख लेता कहाँ है मैं कहाँ नहीं। मैं हो रहा उस पर कुछ कहने गए तो हिरापी में मजा आया, उसको डर लगा। आपको क्या लगा? मैं नहीं जब तुमने तो पकड़ा था मैंने कहा ये कौन है वाइट वाइट सा, और फिर जब देखा ना ये तो अच्छा इंसान है, कंबल लेके आया बस। अगली दफा मैं ऐसा करूँगी किसको पता ना चले। तो हिरापी आपको कैसा लगा? क्या लगा था उस टाइम, क्या फील हुआ था? लगा था कोई चोर आ गया। कोई चोर आ गया? मैं भूत बन के गई थी, लेकिन आपको चोर कैसे लग गई? मैं चोर भूत वाली शक्ल ही नहीं लग रही थी मैं, मतलब कह रही हूँ मैं। अब मैं बाकी वाइट वाइट था सब कुछ ऊपर से, अब मैं बाकी के साथ इसे डिफरेंट करने वाली हूँ, ठीक है ना? क्या वो फिर आप खुद ही देखना, आपको थोड़ी बताऊंगी, लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे हो रही हैं गाइस चाय पार्टियाँ, ठीक है? तो अब मैं सोच रही हूँ मुझे ना कुछ डिफरेंट ना, मैं गूगल से आइडियाज़ देखती हूँ कि मैंने हिरापे को डरा दिया, लेकिन सही बताऊँ इतना नहीं डरी वो, मैं ना भूत वाला डराना चाहिए ताकि उनको लगे कि पता नहीं कौन है। तो मैं गूगल से आइडियाज़ देखती हूँ फिर मैं ना डराती हूँ, ठीक है? एक एक करके इनको देखती हूँ किसको पहले डराना है, फिर आप लोग को बताती हूँ। बड़ा मजा आया। ओके आशा मेरी फैमिली है उधर, पापा बैठे हैं, वो हिरापे बैठी हुई है, ठीक है? और इधर मेरी बहन है। ये मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस का घर है। सबसे पहले मैंने सोचा आप ही के लिए प्रैंक, ठीक है? मैं करूँगी अब आप ही के साथ प्रैंक। अच्छा मैं यहाँ सामने से इनको रिकॉर्ड कर सकती हूँ, देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ओके यार, सो प्रैंक मैंने कुछ इस तरह से करना है कि आप ही जो है वो मेरी रूममेट है, ठीक है? तो आप ही जल्द आएगी, आप ही का ये सामान सामान भी तो पड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप ही जल्द आएगी रूम में, तो ऑब्वियसली जब रूम में आएगी तो वॉशरूम भी आएगी, तो मैं वेट करती हूँ कब आएगी, वो मुझे वेट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं कर लूँगी वेट, ठीक है? तो करूँगी मैं कुछ, ये हमारा वॉशरूम है, ठीक है? मैं इसके अंदर जाकर ना छुप जाऊँगी, ठीक है? और लाइट्स जो है ना मैं बिल्कुल ऑफ कर दूँगी, तो जब आप यहाँ से एंटर होगी तो वो जब देखेगी कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो वो वैसे ही डर जाएगी, तो बड़ा मजा आएगा। कैमरा लेकर जाऊंगी ना ताकि वो डरे। ओके तो ये कौन है? हिरापी आया, हिरापी से कर चुकी। हिरापी आप एक साथ को बताया मैं क्या प्रैंक कर रही हूँ? मैं ये प्रैंक कर रही हूँ कि मैं यहाँ वॉशरूम का वो नहीं बना हुआ जहाँ पे आप शावर लेते हो, उधर छुप जाऊंगी और आप ही जब वॉशरूम के अंदर आएगी तो देख के डर जाएगी। तो आप मेरा काम कर सकती हो? मेरा काम यह है कि जब आप ही इधर कमरे में आएगी ना तो उसको किसी तरह ना वॉशरूम में आप भेजना, खुद आ सके बट कुछ इस तरह से कैमरा चुपके ऑन कर लेना, ट्राई करना कुछ बनाने का, ठीक है? मैं वहाँ अपना कैमरा साथ लेके जा रही हूँ, ठीक है? छोटा पटवारी किधर गया? कौन सा छोटा पटवारी? वो अपने कमरे में जाके सो रहा है, उसको भी रेडी कर सकती हूँ, लेकिन जब कैमरा होता तो पकड़ा जाता है आप लोग, कैमरे से पकड़ी जाती हूँ मैं। अब मैं लोगों को दिखाना भी और पकड़ना भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं समझ से बाहर। ओके तो मैंने दहीरापी की ड्यूटी लगा दी है कि जब आप ही डरेगी तो वो रिकॉर्ड कर ले, ठीक है? क्योंकि मैं जब वहाँ होंगी तो मैं नहीं कर सकूँगी, तो मैं हिरापी वॉशरूम में छुपने जा रही हूँ, तो जब आप ही आएगी तो मुझे बता देना। गजब बेइज्जती है, कितनी रोस्टिंग कर रही है यार ये मेरी आगे बदतमीज। यार वो थोड़ा रियल लगे ना, रियल नहीं मैं बस ये अच्छी जगह पे छुप रही हूँ। ये देखो ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, खुलती है ऐसे, ये ऐसे खुलती है ना ऐसे ऐसे, ठीक है? तो मैंने जो है ना वो मेरी जगह पे, ओहो तो मुझे खुद ही डर लग रहा है। ओहो यार ये एक मिनट, हाँ ठीक है तो मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी, और ये हमने कर लिया बंद। ओह नहीं नहीं ये हमने कर लिया बंद, ठीक है? और ये यहाँ से आप ही आएगी और मैं चुपके चुपके रिकॉर्ड करूंगी। याहू वॉशरूम का ज्यादा बंद कर देती हूँ, अब बॉन्ड निकलो इतनी देर नहीं रहती, जब आएगी तब आऊंगी अंदर। यार मैं वेट कर करके थक गई हूँ बट आप ही नहीं आ रही है। One eternity later. यार मुझे लगता है मैं मुझे तो छुपना था यार, एक मिनट एक मिनट। अगर लाइट मैंने कर दी है बंद, ठीक है? पूरा अंधेरा हो चुका है, अब आप कभी भी आ सकती हैं अंदर। मैं टावल पकड़ के अपने ऊपर ले लेना ऐसे करके, ठीक है? और अंदर जा रही हूँ तो मुझे ना खुद ही डर लग रहा है, आवाज इतना डर, फ्लैश ऑफ करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। फ्लैश ऑफ करती हूँ वरना उसको पता लग रहा है। मुझे लगा पता नहीं कहती
हाथ ही ला दो अपना प्रैंक हो गया। मैं तुम्हारा सर खोल दूंगी घर से निकलते हो। तुमने मुझे अपने साथ प्रैंक में मिक्स किया था, तुमने मेरे साथ ही प्रैंक किया, बदतमीज ज़लील औरत। मजा आ गया यार, ये बेस्ट प्रैंक था, मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। हिरापे को जाकर बताया, हिरापे का पता था, पता है उसको बताया हुआ था। मैंने स्पेशल किया ताकि पता लगे, हिरापी को पता लग गया था, मैंने कहा था आपको पता ना लगे, इसीलिए मैंने ऐसे किया था। शैम्पू की बोतल है, मुझे तुम्हारी सजा ये है कि मुझे शैम्पू ला के दो, ये कंडीशनर है, जल्दी जाओ। जला रही हूं, जा ला के दे। ओह गाइस, बहुत मजा आया हमें प्रैंक्स करने का। अब हमारी ना एक बहन रह गई है फातिमा, तो वो अपने कमरे में बैठी और एडिटिंग वगैरह कर रही है, तो उसके लिए मैंने पता क्या करना है, उसके वो कमरे में जाऊंगी मैं ऐसे नीचे बैठ के ना, बेड की साइड साइड से जाकर उसको डराऊंगी, देखते हैं डरती है कि नहीं डरती, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, सो जैनब को मैं अपने साथ ऐड करती हूँ कि ताकि जैनब जब कमरे में एंटर होगी ना ऐसे करके, तो मैं उसके नीचे टांगों से जाऊंगी ताकि ऐसा ना लगे कि मैं एंटर हुई हूँ, तो उसको लगेगा वो एंटर हुई, और फिर मैं छुप जाऊँगी थोड़ी देर तक, छुपी रहूँगी और फिर उसके बाद एकदम से डराऊंगी, तो बहुत मजा आएगा ये। तो जैनब, आर यू रेडी टू हैंडल माई कैमरा? नहीं। आर यू रेडी टू हैंडल माई कैमरा? बस जैनब के बहुत नखरे हैं, बस कह लो कि ओके रेडी हूँ। अगर तो मैं ऐसा मम्मा को भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी तुमने सबको बहुत डराया मेरे बगैर डराया। हाँ, देखा ना, अब मैं बड़ी फातिमा को मम्मी ने भाग गई ना, पहले उनको मेरे साथ जाना था उसने, बुला ले कैमरा बचा ले, एक तो मैं कैमरा पकड़ दूँ तो उनको शक पड़ जाते हैं, एक तो मैं फन ऐड करती हूँ जिंदगी में। तुम्हें वो बुला, ये पकड़ा मैंने शॉपर और यह पहनूंगी अपने सर पर। ओके, तो ये कुछ ऐसे मैंने कर लिया, इसको मैं ऐसे मुंह पकड़ लूँगी और अब मैं फिर उसको डराऊंगी। उसकी बेडशीट वाइट है, लगना जैसे बेडशीट ही है, ऐसे लगे बेडशीट। जैनब, अब तुमने कैमरा पकड़ के ना ऐसे करके अंदर एंटर होना, ताकि तुम्हारे साथ साथ मैं एंटर होंगी, ठीक है ना? लाइक बाद में ऑन करना कैमरा, अभी नहीं तुमको, जब मैं चल के आ रही होंगी ना मेरे पे, तब तुमने ऑन करना। चलिए, कूड़ा आए घर से कचरा, और मैं उसके सामने जा खड़ी हूं, ठीक है? यार मैं ये नहीं मुंह पर रख रही, इससे ना मेरे दिख नहीं रहा है कुछ, तो ये इससे ये सही है कुछ, मैं ना फुल नीचे ज़मीन पे चिपकी रहो वरना उसे नज़र आ जाए। चिपकी रहूँ हाँ, क्या हो? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। दफा ले यहां से गलीज औरत। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। वही तो, इतने प्रैंक्स करके मैं भी थक गई हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, अपने मूड में बैठी हुई थी। चलो कोई बात नहीं यार, फिर कभी फातिमा के साथ कोई और प्रैंक कर लेंगे। चलो बाय फातिमा। ओके, तो मैं सबको बड़े बुरी बुरी तरह डराया, ठीक है, बड़ा मजा आया। और अभी भी हमारे घर का सीन ये है, वो माँ रानी उधर बैठी हुई है, ठीक है, पापा उधर बैठ के सीजन देख रहे हैं, और जो मम्मा है उधर फातिमा के पास है, हिरापी रूम में सो रही है, आपी भी सो रही है, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। सो बाय, अल्लाह हाफिज़।